Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lesson of maths from unit 2, factors and multiples, book page 34, and the topic is concept of highest common factor. Highest common factor mean HCF. ठीक है, HCF इसकी abbreviation क्या है? Highest common factor इसकी abbreviation है और इसकी full form highest common factor. It means हम factorization मैंने आपको previous exercise में करवाई है. आपको पता है कि numbers को factorize कैसे करते हैं. अब हम जब दो numbers को factorize करेंगे, उनके factors को लिखेंगे और उनमें से हमने ढूंढना होगा कि वो कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है. कॉमन का मीन यही होता है कि जो चीज़ हर किसी के पास हो, तो वो दो नंबर को या तीन, हमने ये देखना होगा कि उनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो दोनों नंबर्स में आ रहा है या तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में आ रहा है. देन उनको हमने मल्टीप्लाई करके हमने ये चेक करना होगा कि सबसे बड़ा उसमें से नंबर कौन सा है. ओके, कॉमन फैक्टर. लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स. ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज 2D है जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं. नाउ कॉमन फैक्टर, लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स. यहाँ पे उन्होंने दो सेट्स दिए हैं फैक्टर्स के, उन्होंने फैक्टर फाइंड करने के बाद दिए हैं. फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स उन्होंने लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. फैक्टर्स ऑफ 18, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. अब इसमें से हमने ढूंढना है कॉमन कौन कौन से. 1 इसमें भी है, इसमें भी है. 2 इसमें भी है, इसमें भी है. 3 इसमें भी है, इसमें भी है. 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, सो ये कॉमन नहीं है. 6 इसमें है, इसमें भी है. 12 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सो ये भी कॉमन नहीं है. 9 और 18 इसमें नहीं है, सो वो भी कॉमन नहीं है. कॉमन फैक्टर्स को हमने हाईलाइट कर लिया. डिड यू नोटिस दैट, क्या आपने नोटिस किया? सम ऑफ द फैक्टर्स दैट, इनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं इज 1, 2, 3, जो कि 1, 2, 3 और 6 हैं, अपीयर इन बोथ सेट्स. वो दोनों सेट्स में नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं कि आपने नोटिस किया कि आपके पास जो 1, 2, 3 एंड 6 हैं, ये नंबर्स आपके पास दोनों सेट्स में ये फैक्टर्स आ रहे हैं. बिकॉज दीज फैक्टर्स आर कॉमन, क्योंकि ये फैक्टर्स कॉमन हैं टू टू डिफरेंट नंबर्स. दो नंबर्स के दो मुख्तलिफ नंबर, देखें 12 और 18, दो मुख्तलिफ नंबर के कॉमन फैक्टर्स हैं ये. वी कॉल द कॉमन फैक्टर्स, हम इनको कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं. कॉमन फैक्टर्स कैन आल्सो बी फाउंड यूजिंग अ वेन डायग्राम. हम कॉमन फैक्टर्स को वेन डायग्राम यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे? लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45. 36 और 45 के फैक्टर्स गिवन है. फैक्टर्स ऑफ 36 उन्होंने फाइंड किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. फैक्टर्स ऑफ 45 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई. अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी 2 times 3 है, इसमें भी 2 times 3 है. इट मीन्स 3 की पावर 2. इट मीन्स 3 2 times दोनों सेट्स में आ रहा है. ठीक है, सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 इज 3 multiply 3 is equal to 9. हमने 3 multiply 3 क्यों लिखा? हमने 3 की पावर 2 कॉमन ले ली. क्यों? क्योंकि 3 2 times दोनों सेट्स में आ रहा था, एक टाइम नहीं आ रहा था. अगर 1 time आ रहा होता तो हम उसको जस्ट 3 लिखते और इसको कॉमन फैक्टर कहते. बट यहाँ पे भी 3 multiply 3, यहाँ पे भी, ये में कॉमन है, तो 3 multiply 3 equal to 9. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग आर डायग्राम. अब हम इसको डायग्राम में भी शो कर सकते हैं. 9 इसका HCF आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. डायग्राम में कैसे शो करेंगे? द रेक्टेंगल बिलो कंटेन्स टू लूप्स विद ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45. वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, इसमें 2 लूप्स गिवन है और इसमें 36 और 45 के तमाम प्राइम फैक्टर्स गिवन है. ठीक है, अब ये इनके फैक्टर्स गिवन है, फैक्टर्स ऑफ 36 2 2 3 3 और फैक्टर्स ऑफ 35 3 3 एंड 5. लेट अस नाउ कंबाइन द 2 लूप्स. अब हम दोनों लूप्स को इकट्ठा कर लेंगे. 1 शोइंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, एक 36 के प्राइम फैक्टर्स को शो करेगा. द अदर शोइंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, और जो दूसरा लूप होगा वो 45 के प्राइम फैक्टर्स को शो करेगा. जब हम इनको इकट्ठा लिखेंगे तो हम एक लूप का कुछ हिस्सा दूसरे लूप में से इसके इनसाइड ये लाई करेगा. ठीक है, ये लूप, ठीक है, ये इसका एक ऐसा पार्ट होगा जो दोनों का होगा. ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है ये 45 का भी है और ये 36 का भी है. इस पार्ट में हम वो नंबर्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, और वो क्या है? 3 3. कॉमन फैक्टर्स, द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 इज 3 multiply 3 is equal to 9. ठीक है, 2 times तो ये, इसमें भी 2 times, इसमें भी 2 times. हमने इसको यहाँ पे 1 time लिखा है क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे.
Such diagrams as shown above are called Venn diagram. ऐसी डायग्राम जो कि यहाँ पे शो की गई है उसको क्या कहते हैं? Venn diagram. Now look at this set of factors. अब फैक्टर्स के कुछ मजीद सेट्स गिवन हैं, उनको चेक करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 factors of 18, 1, 2, 3, 6, 9 and 18. The common factors of 24 are and 18 are 1, 2, 3 and 6. ये इसके कॉमन फैक्टर हैं. द ग्रेटेस्ट और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? इन सब को मल्टीप्लाई करके. तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 जार 6. एंड 6 को भी हम 6 से, दिस इज कॉल्ड आल्सो HCF. ठीक है, 6 इसका HCF. देखें इसमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन सा है? 6. सो दिस इज कॉल्ड द HCF. सो फॉर वी हैव बीन लुकिंग एट द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स. हमने यहाँ पे और भी फैक्टर्स गिवन हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ पेयर के. लेट नाउ लेट अस टेक थ्री नंबर्स. थ्री नंबर्स अब उन्होंने ले लिए हैं, ये उन्होंने कॉमन फैक्टर्स हाईलाइट कर लिए हैं, 16 और 32 और 40 के. 1, 2, 4 और 8 ये इनके कॉमन फैक्टर्स हैं. 1, 2 और 4 और 8 में से सबसे ग्रेटर नंबर द HCF ऑफ 16, 32 एंड 40 इज 8. HCF क्या है? 8 हमारे पास. Now to find HCF of two or more numbers using prime factorization method, we must first find the prime factors of the given numbers. वो कहते हैं कि prime factorization method से हम जो HCF find करते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास सबसे पहले हमें prime factors उसके पता हों. Find the HCF of 12 and 21 using prime factorization method. 12 2, अब 12 2 से डिविजिबल है, हम इनको अलग अलग फैक्टराइज करेंगे. अब ये नया मेथड है, आप ये मैंने आपको इसी मेथड से प्रीवियस एक्सरसाइज में आई थिंक सो एक क्वेश्चन करवाया भी है. आप इसको देखें, 2 6 आर 12 कंप्लीटली डिवाइड, 6 पेंडिंग हो रही है, वंस अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 आर 6, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 1 आर 3. 21 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 7 आर 21 एंड 7 1 आर 7. Prime factors of 12. 12 के factors हैं 2 multiply 2 multiply 3. Prime factors of 21 equal to 3 multiply 7. Common factors of 12 and 21 equal to 3. Common factor जो हैं इनमें से वो क्या है इनका? 3. देखें just one time 3. क्योंकि इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 7 है इसमें 2 नहीं है. तो हमारे पास जो common factor है वो just one time आ रहा है. इसमें one time है, इसमें भी so simple 3. HCF of 12 and 21 is 3. Second example है the HCF of 52, 78 and 130 by prime factorization method. अब हमारे पास three numbers given हैं, तो three numbers को हम किस तरह से करेंगे? देखें अलग अलग करेंगे. 52 ending 2 पे हो रही है, 2 से divisible होगा, 2 2s are 4, 1 इस पे left है यहाँ से and यहाँ पे carry, 2 6s are 12. ending 6 पे हो रही है, 2 से divisible होगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 13 1s are 13, 78. 2 3s are 6, 1 यहाँ पे कह रही है, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 1s are 13, 130, 2 6s are 12, 1 यहाँ से left and यहाँ पे कह जाएगा, 2 5s are 10, 5 1s are 5 and 1 यहाँ पे जब कह जाएगा, 5 3s are 15, 13 1s are 13. Prime factors of 52 equal to 2 multiply 2 multiply 13, prime factors of 78, 2 multiply 3 multiply 13, prime factors of 130 equal to 2 multiply 5 multiply 13. अब common factors of 52, 78 and 130. देखें common factors इसमें से कौन कौन से हैं? इसमें 2 times 2 है, इसमें 1 time 2 है, इसमें 1 time. It means हमारे पास 1 time 2 दोनों में common है. क्यों? क्योंकि इसमें 2 times है but इसमें 2 time नहीं है, इसमें भी 2 times नहीं है but इसमें 1 times तो है ना. So 1 time 2 दोनों में, तीनों numbers में common है, factors में, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में. 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 13 तीनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन है. सो हम 2 और 13 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 26. HCF of 52, 78 एंड 130 इज 26.
Now, next we can solve real life problems using HCF to solve word problems. हम अब हमारे पास जो word problems होते हैं वो real life problems से ही related given होते हैं हमारे पास, you know that very well. अब हम उनका HCF कैसे find करेंगे? We should remember Sam. We should remember, हमें याद रखना चाहिए some key words such as maximum, greatest and equal. आप देखें वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ की वर्ड्स हैं जिनको हम पहले से भी जानते हैं, हमने उनको माइंड में रखना है. इट मीन्स अगर मैक्सिमम आता है तो हमने एच सी एफ फाइंड करना है, अगर ग्रेटेस्ट आता है तब भी हमने एच सी एफ फाइंड करना है, इक्वल अगर हमने फाइंड करना है तो वो उसके लिए. तो देखें एग्जाम्पल, अ 12 फीट लॉन्ग एंड 8 फीट वाइड रूम फ्लोर इज टू बी कवर्ड विद टाइल्स. एक रूम है जो 12 फीट लंबी है, ठीक है, 12 फुट लंबी है टाइल, और 8 फीट 8 फुट उसकी चौड़ाई है, ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई एक रूम के फ्लोर की. व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल टू बी यूज्ड? तो उसका मैक्सिमम टाइल कितना हो सकता है उस रूम में? मैक्सिमम इज द की वर्ड, सो वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 8. मैक्सिमम का क्या मतलब होगा कि हमने 12 और 8 का मैक्सिमम एचसीएफ फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर प्राइम फैक्टर्स, उनके प्राइम फैक्टर्स की मदद से. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 8. अब 12 की अलग से करेंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3, 8 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. इसमें 2 टाइम्स 2 है, इसमें 3 टाइम्स 2 है. इट मीन्स 2 टाइम्स 2 तो दोनों में कॉमन है क्योंकि इसमें के पास भी 2 टाइम्स है इसमें भी, बट इसमें 3 टाइम्स नहीं है, ठीक है. सो 2 की पावर 2 लेंगे, 3 इसमें है इसमें नहीं है, सो वो कॉमन नहीं है. एचसीएफ ऑफ 12 ऑफ 8 इज 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4. द साइज ऑफ टाइल शुड बी 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, जो उसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो उसका साइज यूज हो सकता है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स हो सकता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2E. कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर चुके हैं एचसीएफ फाइंड करने के. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स आपने फिल करनी है. पार्ट ए इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज. अब देखें हर नंबर की मैंने आपके आपको बताया था कि हर नंबर के पास 2 फैक्टर्स मस्ट होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ. तो 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं और 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, एक 1 और 2. 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज जस्ट 2 फैक्टर्स, 1 इज 1 एंड सेकंड इटसेल्फ, एक 1 और दूसरा 3. अब इनके पास 2 फैक्टर्स हैं, इसके पास 1 और 2 और इसके पास 1 और 3, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 1. सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज 1. पार्ट बी, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड. अब 32 और 4 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 32 में देखें 2, वो कहते हैं एक तो इनका कॉमन फैक्टर है 2. 2 मींस इनमें कॉमन है, 2 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, सेम एज आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा. इट मीन्स 2 इन दोनों में कॉमन है. 4 4 वंस आर 4 और 4 एट्स आर 32, 4 भी इनमें कॉमन है, ये सेकंड इनका फैक्टर था जो इनमें कॉमन है. सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड 4. आप इनके फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं ये इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं. पार्ट सी, द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16, 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 2 4 और 8, दोनों ये इवन नंबर हैं. आप देखें इससे 2 4 आर 8 और 4 2 आर 8, इसके 2 8 आर 16 और 4 4 आर 16. इट मींस ये तीनों नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट पार्ट डी, द एचसीएफ ऑफ 8 10 एंड 12 इज. आप देखें 8 जब होगा 2 2 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2, 3 टाइम्स 2. नेक्स्ट 2 5 आर 10, 5 1 आर 5, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3. इट मींस तीनों में 2 1 टाइम्स कॉमन आ रहा है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम्स है. इट मींस जो कॉमन है तीनों में वो फैक्टर 2 है और 1 टाइम, सो एचसीएफ इनका क्या होगा? 2. नेक्स्ट
ब्लैंक इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18. 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3. इनमें 1 times 2 एंड 1 times 3 कॉमन आ रहा है, 2 multiply 3 = 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन 2 है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमने चेक करना होगा कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. पार्ट ए, 4 and 6 हैव नो कॉमन फैक्टर. 4 और 6 का क्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. वो कहते हैं 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इनमें 2 कॉमन फैक्टर है. पार्ट बी, 1 2 3 and 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 24. 12 और 24 के क्या जस्ट 2 3 4 ही कॉमन फैक्टर्स हैं. 6 बीन का कॉमन फैक्टर है. देखें 6 2s are 12 एंड 6 4s are 24, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. पार्ट सी, 20 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20. क्या 10 और 20 दोनों का कॉमन फैक्टर है. 10 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 10s are 20. अब देखें 20 में 20 तो उसका फैक्टर है, बट 10 में 20 नहीं आ रहा, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. पार्ट डी, द एच सी एफ ऑफ 2 or more prime इज इक्वल टू 1. जो एच सी एफ होता है वो एक या एक से ज़्यादा प्राइम नंबर के इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है. ठीक है, अब देखें हर नंबर के पास कोई भी प्राइम नंबर ही चाहे हो उसमें 2 फैक्टर तो मस्ट होते हैं. ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, 1 और 1 वो नंबर इटसेल्फ. तो हम किसी भी नंबर को अगर 1 को भी साथ लिखें तो 1 को भी मल्टीप्लाई करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 1 उसमें कॉमन मस्ट आएगा जो कॉमन प्राइम नंबर है. द एच सी एफ ऑफ 20, 30 and 40 इज 240. इनका एच सी एफ क्या 240 है. देखें 2 times are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 multiply 5, 2 6s are 30, सॉरी 2 15s are 30, 3 5s are 15, एंड यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करें आपके पास 240 नहीं आएगा. ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन 1 and 2 आर कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट लेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.